लग रहे हो, बोलो फिर दोबारा बोलो। हेलो दोस्तों, आज मैं खुश हूँ। अभी आ रखे हैं हम एक दुकान पे और यहाँ। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सुमन सोनी ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बीच में थोड़ा ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, कहीं थोड़ा बिजी थी, उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5:30 बजे से, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की ओर, क्योंकि आज ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी पता लग जाएगा। तो अभी हमें कहीं जाना है, पहले हम मार्केट जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे ये जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो कुछ खास होने वाला है दोस्तों आज, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। खुशी तो खुद ही बोल रही है मैं कैसे लग रही हूँ, बोलो फिर दोबारा बोलो। हेलो दोस्तों, आज मैं खुश हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं खुश हूँ। और बताओ और सुनाओ। तो खुशी आज बहुत प्यारी लग रही है। मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो खुशी। और क्या बोल रहे हैं आपको, बोलो दोस्तों। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, बोलो। हेलो दोस्तों, आज मैं कहीं जा रही हूँ। हम पार्क पे जाने, बाय बाय। तो खुशी भी आज बहुत खुश हो रखी है और तैयार होके बिल्कुल चमक रही है खुशी। तो बच्चे तो होते ही हैं, अगर घर से बाहर कहीं जाना हो तो बच्चे खुश हो जाते हैं, एक ही जगह रह के बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बस दोस्तों यही बात है। तो दोस्तों लाडो भी बिल्कुल तैयार हो रखे और हमारा बाबू भी, तो आज सब के सब चमक रहे हैं। बाबू का आज बर्थडे है तो फिर इसने तो ना मेरा प्लान ही चौपट कर दिया, आपने पहले ही बता दिया, मैं सरप्राइज दे रही थी। चलो कोई बात नहीं, तो आप बताओ लाडो अपनी ड्रेस दिखाना। तो ये है हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बिल्कुल तैयार हो रखे हैं और बहुत सुंदर और बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों लाडो ने बता ही दिया है आज है बाबू का बर्थडे, तो उसी वजह से बच्चे तैयार हो रखे हैं। बाबू आज किसका बर्थडे है? तो आज बाबू ने हमें गिफ्ट देने वाला है, है ना बाबू? तो आज आप हमें गिफ्ट दोगे, है ना? आप हमें गिफ्ट दोगे ना आज, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है ना गिफ्ट वही देता है। तो बाबू देगा ना हमें गिफ्ट आज, है ना बाबू? क्या दोगे मामी को? तो बाबू आज मामी को गिफ्ट देने वाला है खुशी। तो आह खुशी चश्मे दिखाना आपने, जरा सीधे दिखाना चश्मे। अभी आ रखे हैं हम एक दुकान पे और यहाँ देख रहे हैं हम कुर्तियाँ। सुंदर से स्टॉल भी लगे हुए हैं। ग्रीन भी अच्छे अच्छे हाँ। है ना सुंदर सब्जी मार्केट है। मिठाई ही मिठाई।
दोस्तों तो आज बाबू का बर्थडे है, हमारे भांजे का बर्थडे है और नए घर में पहली बार बर्थडे मना रहे हैं, तो हम सब अभी दीदी औरों के घर पे आ रखे हैं। तो अभी मतलब वैसे ज़्यादा बड़ी पार्टी तो नहीं रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आस पड़ोस में बोल ही रखा है। तो हम अभी आ रहे हैं मार्केट से, और मार्केट से आने के बाद हम सीधे यहीं पहुँच गए क्योंकि बच्चे लोग सब यहाँ पहुँच गए थे। तो यह है अप्सरा का रूम, यह है अप्सरा और यह है मुन्नू, यह है बर्थडे बॉय, बाबू तो देखना। आप बाबू आज किसका बर्थडे है? क्यों नहीं मामी हट ना है ना ना दीदी और मोबाइल पता नहीं पापा मैम नहीं दीदी इधर अब नहीं, अब इधर पहले सबको प्रणाम करो, गिलास नीचे रखो यदि एक दे दो, एक वो खिलाने के लिए केक के लिए लगाए थे, ये अरे बाबू को केक तो खिला दो भाई, जिसका बर्थडे है तो मैं तो पहले तो उसको देना, हमें लेने देना था।
मोनू आराम से तुम भी खिलाओ अभी बाबू खा लो बेटा आप खुद खा लो ये दो तो दोस्तों तो अभी मैं रख रही हूँ चाउमीन निकल भी रहा इसलिए यम्मी अभी पहले हम सब के लिए प्लेटें लगाएंगे और उसके बाद लेंगे लास्ट में मजा चाउमीन का हाँ कुछ बड़ी सी परात वहीं चली जाओ और बिपिन खिलाओ इधर अरे अंधा अरे लगा वो अक्सर आप डांस नहीं कर रहे हो डांस नहीं कर रहे आप जा पकड़ के लाओ बोले इधर आना फोटो खींचेंगे बोलो आपकी मनु इधर देखना कौन सा लाडो कौन सा तेरो लहंगा अभी हम दीदी औरों के घर से वापस भी आ गए हैं अपने घर पे पहुंच गए हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि ऐसे माहौल में थोड़ा होता ही है मतलब टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता है तो अभी हम खाना पीना खा के वहीं से आ गए हैं और बहुत थकान भी हो गई है दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का ब्लॉग ज़रूर इन्जॉय किया होगा और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मतलब काफ़ी लोग आ गए थे आस पड़ोस के तो हम उनको खाना वाना परोसने में लग गए तो उस वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई लेकिन जितना कुछ भी किया है तो आप लोगों के साथ शेयर किया है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय